हेलो एवरीवन, तो मैं एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठे और साथ में बनाएंगे हम आलू टमाटर की ढाबे स्टाइल की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत उसमें नहीं होती है। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मूलियाँ ली हैं बड़े साइज़ की और इसे मैं पीलर की मदद से छील लूँगी, बाहर का छिलका इसका उतार लूँगी। उसके बाद धोकर अच्छे से इसे ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको मूली नहीं पसंद होती है, पराठे नहीं पसंद होते हैं, ख़ासतौर से बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं। बट इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और मूली ना पकने के बाद पता नहीं चलता पराठे में कि मूली का पराठा है, खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ देखिए कद्दूकस की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लिया है इसको। और अभी हमें क्या करना है कि हमें इनका पानी निकालना है, क्योंकि पानी हम निचोड़ कर निकाल देंगे ताकि पराठे हमें जो बेलने में आसानी होती है, नहीं तो ये काफ़ी पानी छोड़ देते हैं। तो हम इस तरह से पानी निकाल लेंगे सारा, और पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इससे मैं आटा गूंथ लूँगी जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा इसका। तो इस तरह से मैंने सारे मूली के पानी इस तरह से निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से पानी निकाल लिया है मूली को निचोड़ कर। तो अभी हम इसे इसमें नमक या कोई भी मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा पानी छोड़ देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आटा तैयार कर लेती हूँ। तो आटा तैयार करने के लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे चिरौंजी और मैं यहाँ पर नमक डाल लूँगी टेस्ट के हिसाब से, और मूली का जो हमारा पानी था वो मैं इसमें डाल दूँगी। आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप एक्स्ट्रा सादा पानी भी डाल सकते हो। तो इसका आटा तैयार कर लेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल, और तेल गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ 1/2 चम्मच जीरा डाल दी है, साबुत जीरा, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च और तेज़पत्ता डाल दिया है, और 1 बड़ा प्याज लिया है कट करके। और अब इसी इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया हुआ, और 1 बड़ा टमाटर लिया है कट किया हुआ, और इसे अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से जो है टमाटर को गलने में मदद हो। और मैंने यहाँ पे ऐड किया है स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाएगा। अभी मैं यहाँ पे 1 चम्मच ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है इसलिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और हल्का सा तीखापन आएगा। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने ये देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, और मैंने लिया है यहाँ पे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को हमें कट नहीं करना, बस हाथों से इस तरह से हल्का सा तोड़ तोड़ के डालते जाना है जिससे कि अच्छे से ग्रेवी तैयार होगी हमारी। और 2 मिनट हम मसालों के साथ आलू को भून लेंगे और फिर डाल देंगे 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है गरम मसाला, और कसूरी मेथी मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब, और इन सभी चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे और अपने हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए। यहाँ मैंने 2 कप पानी ले लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ढककर हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए ही पकाएंगे ये, क्योंकि ये सारा जो हमारा मसाला है वो पका हुआ है और आलू भी उबले हुए हैं, तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और उसके बाद हमारा जो सब्जी है वो रेडी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी का कितना अच्छा सा कलर आया है, तो ढाबे वाली सब्जी लग रही है ना। तो अभी मैं इसमें लास्ट में डाल दूँगी धनिया की पत्ती, और हमारा जो गैस है वो बंद हो चुका है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है लास्ट में धनिया की पत्ती,
और ये सब्ज़ी 10 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो हम यहाँ पर अब पराठे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें जो मूली को ग्रेट करके रखा था उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, धनिया की पत्ती, और यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और लिया है मैंने यहाँ हरी मिर्च, और एक चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर, जिससे कि इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले ऐड नहीं करेंगे, जब हमें पराठे बनाने हो तभी हम नमक ऐड करेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ ही देगा जितना भी निकाल लो। तो मैंने यहाँ पे अभी लास्ट में मैं यहाँ नमक ऐड कर दूँगी, और उसके बाद हम फटाफट से इसको मिक्स कर लेंगे और पराठों में स्टफ कर लेंगे। तो ये आटा देखिए हमारा सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा हम और हाथों की मदद से इसे मसल लेंगे। तो चलिए हम पराठे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक थोड़ा बड़ा सा आटे का गोला, और इसे मैं थोड़ी सा बेल लूँगी रोटी की तरह। आप चाहें तो जैसे हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं स्टफिंग के लिए, बॉल्स बना के उसके अंदर स्टफ करते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सुविधा होती है क्योंकि इनको फटने का थोड़ा सा डर होता है, कितना भी आप पानी निकाल लो। तो इस तरह से मैंने इसको रोटी की शेप में बेल लिया है। उसके बाद मैं इसका इस तरह से गोला तैयार कर लूँगी, और हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। बहुत ज़्यादा जोर लगा कर हमें इसे नहीं बेलना है, नहीं तो ये काफ़ी फटेंगे। तो मैंने यहाँ पे हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे, और उसके बाद हमारा जो पराठा है वो हम सेक लेंगे। तो कितना भी कर लीजिए, थोड़ा मोड़ा तो फटता ही है ये। तो अभी मैं यहाँ पे तवा गर्म कर ली हूँ और पराठे सेक लूँगी। तो पराठे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक धीरे धीरे मीडियम आंच में हमें सेक लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है। तो थोड़ा अच्छे से सेकेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है, और देखिए पराठे देखने में कितने यमी लग रहे हैं और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए हमारा जो पराठा है वो अच्छे से फिल है, कहीं से भी खाली नहीं है। तो इसको जब इस सब्जी के साथ खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर इसका जो स्वाद आता है ना वो बहुत ही यूनिक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।